रायपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। नए नियम से पुलिसकर्मियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। जी हां, प्रमोशन के लिए अब 800 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। बुजुर्ग पुलिसकर्मियों को भी दौड़ लगानी पड़ेगी। इसके अलावा नए नियम से आरक्षकों और प्रधान आरक्षकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसके अलावा निचले क्रम के अधिकारियों के लिए नियम से नाराजगी देखी जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से, जहां प्रमोशन के लिए अब 800 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। बुजुर्ग पुलिसकर्मियों को भी दौड़ लगानी पड़ेगी। तो नए नियम जो है वो तय कर दिए गए हैं। नए नियम से आरक्षकों और प्रधान आरक्षकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ गई हैं। सुप्रिया, ये नया नियम जो है वो लागू कर दिया गया है, नया नियम जारी कर दिया गया है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, नया नियम जो है उससे लेकर के जो आरक्षक और प्रधान आरक्षक है उस पर नाराजगी देखने को मिल रही है। मामला ये है कि जब बुजुर्ग कैटेगरी में वो पुलिसकर्मी आते हैं जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है, क्योंकि 62 वर्ष में रिटायरमेंट तो हो ही जाती है हर अधिकारी की, लेकिन 45 वर्ष इनकी उम्र जो आखिरी में है वो लगा मतलब है। और इसके अलावा 800 मीटर की दौड़ लगाई जानी है। 10 मिनट में 45 वर्ष के आयु के जो व्यक्ति हैं उन्हें 10 मिनट में ये 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जिससे लेकर के नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि आपको बता दूं कि जो नियम बदले हैं इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। पहले पदोन्नति के लिए दौड़ लगाने होंगे, दौड़ के बाद जो फिट पाए जाएंगे उसकी लिखित में परीक्षा होगी, लिखित में परीक्षा देने के बाद फिर सिलेक्शन होगा और मेरिट सूची जारी की जाएगी। मतलब इतना ज्यादा प्रक्रिया को जटिल कर दिया गया है, इतना ज्यादा कठिन कर दिया गया है कि काफी ज्यादा नाराजगी निकल कर सामने आ रही है। हालांकि जो आरक्षक और प्रधान आरक्षक है वो अपनी नाराजगी मीडिया के सामने नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि यदि वो ऐसा करते हैं तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। जी, लेकिन सुप्रिया एक अहम सवाल ये भी खड़ा होता है कि सिर्फ निचले कर्मियों के लिए ही ये दौड़ने के नियम क्यों लागू किए गए हैं, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, सवाल तो है ही, लेकिन इसके जवाब जो है वो अधिकारी नहीं देते हैं। हालांकि डीजीपी ने कहा है कि आईजी जो है वो नियम में शिथिलता कर सकते हैं, लेकिन आईजी भी नियम में शिथिलता करने का अधिकार है, लेकिन वो उस व्यक्ति को देख करके, उसकी परेशानियों को देख करके नियम में थोड़ी सी शिथिलता कर सकते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उसके लिए अलग नियम है, पुरुषों के लिए अलग नियम है, और अब जो नियम बनाए गए हैं उससे लेकर के काफ़ी नाराजगी। पहले अगर हम बात करें प्रमोशन की, तो पहले सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन होता था, किसी तरह की कोई टेस्ट वगैरह नहीं दिए जाते थे। हालांकि फिजिकली फिट जो है वो टेस्ट लिया जाता था, लेकिन अब दौड़ भी कराया जाएगा, यानी कि अब 24 घंटे जो पुलिस के अधिकारी वो ड्यूटी भी करते हैं, उनके खाने पीने के भी जो ठिकाना है वो नहीं रहता है। तो इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा उनके शारीरिक स्थितियाँ ठीक नहीं रहती, और ऐसे में उनसे कहा जाएगा कि आप 800 मीटर की दौड़ लगाइए, तो जाहिर तौर पर उनकी नाराजगी सामने आना जो है वो लाजमी है। बिल्कुल, और अब प्रमोशन अगर अधिकारियों को पाना है, कर्मचारियों को अगर प्रमोशन पाना है, तो अब उनको जो नए नियम जारी किए गए हैं उन नियमों से अब गुजरना होगा। सुप्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने।